नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एजुपेड इन्फो चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई क्लास नाइन्थ के विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, हिंदी में बोले तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप नए हैं तो फिर आपके लिए कुछ नया है यहाँ पर, और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, ठीक है। तो जो नए लोग हैं, नए छात्र हैं, यहाँ पर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें मैं आपको लिंक्स देता हूँ जिससे आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाके आप जिससे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ यही नोट्स आपको मिल जाएगी, और वो भी नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक। तो आप जाएँ और वहाँ पर डाउनलोड करें और पढ़ें और आगे बढ़ें, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक बार ये जरूर याद कर लें कि लाइक कर लें वीडियो। लाइक करने से क्या होती है, वीडियो आपके चैनल पर सेव हो जाती है और आप उसे कभी भी दोबारा देख सकते हैं, और अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको ना मिले, ठीक है। तो इसलिए लाइक कर लें, यूट्यूब ने लाइक ऑप्शन हम ही लोगों के लिए दिया है ताकि लाइक कर लें, और जो भी वीडियो हमें दोबारा देखनी हो, मैं भी बहुत सारे, मेरे पास भी 500 से ज़्यादा वीडियो लाइक की हुई है जो मेरी ज़रूरत की वीडियो है, ऐसे आप भी कर लें तो आपके पास भी सेव रहेगी, ये चली जाएगी आपके लाइक वीडियो फोल्डर में आपके चैनल पर, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि दीर्घकालिक रोग और, ठीक है, और तीव्र रोग, और इसमें दीर्घकालिक रोग में अंतर पढ़ा था हमने, ओके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक रोग, ओके। तो संक्रामक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं, ओके। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे ये दूसरी पीढ़ी में, यानी सॉरी, दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, और वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। संक्रामक रोगों के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि, ये सब जो है संक्रामक रोग फैलाते हैं। और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से, यानी संक्रमित व्यक्ति से, दोस्तों संक्रमित व्यक्ति वो होता है जिसको बीमारी है, ओके। तो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो बीमारी नहीं फैलती है उसको हम बोलते हैं असंक्रामक रोग, जो कि मैं लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए इनमें जो है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें कि कौन कौन संक्रामक रोग हैं और वो किससे फैलते हैं, उनका नाम पहले हम देख लेते हैं। तो वायरस से फैलने वाले जो संक्रामक रोग हैं, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वो है कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स, एड्स, एचआईवी एड्स हो गया, और इन्फ्लुएंजा। ये सारे के सारे किससे फैलते हैं? वायरस से, यानी कि विषाणु से, ओके। वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, विषाणु किस किस विषाणु से कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? सर्दी जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा। और बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं? तो हैजा, खसरा, क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है दोस्तों टीबी, हिंदी में इसे क्षय रोग कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, एंथ्रेक्स और टिटनेस। कवक से यानी फंजाई से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं? तो दाद, आपने देखा होगा गोल गोल रिंग्स बन जाते हैं, गोल गोल दाग बन जाते हैं हमारे शरीर पर, लाल लाल, उसे हम बोलते हैं दाद, जो कि फंजाई से होता है। और चौथे हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं? तो मलेरिया, कालाजार, अमीबिय पेचिस, ये सब प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियाँ हैं। इसके बाद कृमिजनित रोग, यानी जो वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो हमारे पेट में चले आते हैं या हमारे और दूसरे सिस्टम में चले आते हैं, तो वो है फील पाँव, यानी एलिफेंटेसिस। आप लोग ने देखा होगा कि इस बीमारी में पाँव जो है हाथी की तरह भारी हो जाता है, ओके, और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसमें मौत पक्की होती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों की और उनसे फैलने वाली बीमारियाँ। जैसे यहाँ पर सार्स का बैक्टीरिया दिखाया गया है, ठीक है, ये सार्स के बैक्टीरिया हैं, ये जो काले काले आपको दिख रहे हैं ये सब सार्स के बैक्टीरिया हैं जो कोशिकाओं से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये जो काली कोशिकाएं दिख रही हैं उनके अंदर सार्स बैक्टीरिया घुसे हुए हैं, और जो ये बाहर अलग से आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सार्स बैक्टीरिया है, ओके। सार्स बैक्टीरिया से दोस्तों सार्स नामक बीमारी होती है, और ये है लेस्मानिया। लेस्मानिया से कालाजार नामक बीमारी होती है, ओके। तो ये ना लेस्मानिया, कालाजार व्याधिकरण व्याधिकारक प्रोटोजोआ, यानी कि लेस्मानिया से कालाजार नामक बीमारी फैलती है, ओके। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये स्टेफाइलोकोकाई जिससे एक्ने होता है, मुहासे होते हैं, ठीक है। क्या होता है इससे? ये बैक्टीरिया होते हैं और इनका नाम होता है स्टेफाइलोकोकाई। इनसे मुहासे निकलते हैं, जो हमारे मुहासे होते हैं, ठीक है, और ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए आ गए। ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, प्रोटोजोआ हैं ये सब, तो ट्रिप्नोसोमा नामक बीमारी फैलाते हैं, यानी ट्रिप्नोसोमा का मतलब है निद्रालु व्याधि, कि इंसान
सो जाता है और मस्तिष्क उसका जो है कि जकड़ जाता है नींद से, ठीक है। और अब जो है ये वॉर्म्स आ गए यानी स्कैरिस आ गया। स्कैरिस क्या करता है, इसका पूरा नाम है स्कैरिस ल्यूब्रिकाइडिस, ओके। इसको गोल कृमि कहते हैं क्योंकि ये गोल होते हैं और छोटी आंत में ये प्रभाव डालते हैं, छोटी आंत में चले जाते हैं जिससे पेट में बच्चों के दर्द होता है। आपने देखा होगा कि बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के आसपास के, उनके पेट से टट्टी में कभी कभी ये निकलता है, यानी कि वो जो मल त्यागते हैं उस समय ये निकलता है जब डॉक्टर दवाई देता है तब। तो ये पेट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये ब्लड, ठीक है, सक करते हैं यानी ब्लड चूसते हैं व्यक्ति का, जो भी जिसके भी पेट में होते हैं वहाँ से ब्लड लेते हैं। तो इसको अगर हम दवाई दे दें तो ये आराम से जो है मर जाता है और बाहर निकल जाता है मल के थ्रू। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एंटीबायोटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। एंटीबायोटिक होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया दिया हुआ है, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी। अब एंटीबायोटिक क्या करती है कि देखिए एंटीबायोटिक लिखा है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक मतलब कि एंटीबैक्टीरियल दवा जो बनती है उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो है दोनों के लिए हो सकती है, एंटीवायरल के लिए भी, एंटीबैक्टीरियल के लिए भी, यानी जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए बने, एंटी मतलब विरोध में, उसका उल्टा। तो जो भी रिएक्शन यूज करते हैं, यानी कि जो भी, क्षमा चाहूँगा थोड़ा शोर हो रहा होगा पीछे, तो जो भी मैकेनिज्म यूज करते हैं बैक्टीरिया और वायरस, एंटीबायोटिक क्या करता है उस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, ये मैं इसे इससे मत जोड़िएगा, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए बैक्टीरिया एक रिएक्शन कर रहा है कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है या उसकी बॉडी में यही बन रहा है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, इस रिएक्शन को ब्लॉक कर देगा, यानी रिएक्शन होने ही नहीं देगा। और जब ये रिएक्शन होगी नहीं तो वो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है किसकी, हमें ज़रूरत होती है बहुत सारी केमिकल सब्सटेंस की जो हमारी बॉडी में अपने आप बन के उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से बैक्टीरिया और वायरस के, वायरस को तो नहीं लेकिन बैक्टीरिया की बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे वो जीवित रहते हैं। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके हम उनकी रिएक्शन को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, अभिक्रिया को ब्लॉक कर देते हैं जिससे वो मर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपने आप जो है धीरे धीरे इसके अगेंस्ट में, यानी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और बच जाते हैं। लेकिन वो लंबे समय तक अगर आप ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स तब होता है। तो आप एंटीबायोटिक्स ऐसे ना लें, बिना डॉक्टर से पूछे कभी भी एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें, इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आप पढ़ाई के संदर्भ में कि एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलियम नामक पौधे से बनाई जाती है, टेट्रासाइक्लिन, ओके। तो ये दो एंटीबायोटिक जो है आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और मॉल्ट जो होते हैं उनको ये मार देते हैं, ठीक है। बहुत से जीवाणु बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देती है और जीवाणु मर जाता है। यानी एंटीबायोटिक क्या करता है, उस कोशिका भित्ति को बनने ही नहीं देता है जिससे मर जाता है वो। तो पेनिसिलिन, ठीक है ना, जीवाणु का कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी है, ओके। तो ये तो थी एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल दवाइयों की बात, यानी कि एंटीबायोटिक्स की बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रोग कैसे फैलते हैं, तो आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि रोगों के फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोग फैलने के निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है, थीके? अब वो कौन कौन से कारण हैं, तो आप अपने आसपास देखते हैं कि वायु के द्वारा रोग फैलता है, दूषित जल और भोजन के द्वारा, रोगवाहक, रोगवाहक का मतलब मच्छर, मक्खी, ये सब जो हो गए, लैंगिक संपर्क यानी जब सेक्स करते हैं दो लोग तब, और एड्स, तो एड्स फैलता है, आप भी जानते हैं ये भी सेक्सुअल डिजीज है, दो लोगों के संबंध बनाने से फैलता है, और रेबीज यानी कि रेबीज फैलता है संक्रमित पशु के काटने से। संक्रमित पशु मतलब अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो हम भी पागल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरस उसके बॉडी में है वो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है जिससे हमारी मौत भी हो सकती है या हम मानसिक संतुलन खो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आइए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से वो तरीके हैं। तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा क्या क्या हो सकता है, हैंडशेक, किसिंग,
ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं बीमारी फैलने के। ओके, दूसरा संक्रमित व्यक्ति की छींक से, जैसे वायु में हो गया, ठीक है ना, परोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से का मतलब है कि डायरेक्ट, कि मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति ने छींका और छींकने से या बोला तो उसके बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पानी के रूप में वायु में चले गए और स्वस्थ व्यक्ति में इन्फेक्ट हो गया, यानी स्वस्थ व्यक्ति में चले गए और वो बीमार हो जाएगा। ये तो था पहला तरीका, ये है दूसरा तरीका। अब ये तीसरा तरीका कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या उससे छुए बर्तन या भोजन का इस्तेमाल करने से, ठीक है, ये बीमारी फैल जाएगी, यानी कि इसको जो बीमारी है वो इनको हो जाएगी। तो ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका है भोजन या जूठा खाने से, ठीक है, सारी बीमारियाँ नहीं फैलती, इसे याद रखिएगा। कुछ भोजन, ठीक है, कुछ चीज़ें भोजन द्वारा, तो अगर संक्रमित व्यक्ति कोई भोजन करता है और उसी का जूठा भोजन हम कर लेते हैं तो इससे बीमारी फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात कि भोजन को अगर आप खुला रखेंगे और प्रदूषित जल पिएंगे या प्रदूषित भोजन करेंगे तो भी जो है हम बीमार हो जाएंगे। और पांचवा जो पार्ट है वो है वाहक द्वारा। वाहक देखिए कौन कौन से हैं, आपके मच्छर हो गए, कीट हो गए, मच्छर, मक्खी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और ये, ठीक है, रैबिज, संक्रमित पशु। अब ये संक्रमित पशु छठा हो गया आपका, ठीक है, सिक्स केस। संक्रमित पशु का मतलब इन्फेक्टेड जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कौन कौन से रोग हैं जो किसके द्वारा फैलते हैं। तो सबसे पहले वायु के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, क्षय रोग यानी टीबी और सर्दी जुकाम। जल और भोजन के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, हैजा, अमीबिया, पेचिस। और रोग वाहक द्वारा क्या क्या फैलता है, मलेरिया, डेंगू। ओके, और लैंगिक संपर्क के द्वारा तो आप सभी जानते हैं HIV एड्स, ठीक है, फैलता है लैंगिक संपर्क के द्वारा। और एड्स का विषाणु भी, ठीक है, लैंगिक संपर्क के द्वारा ही फैलता है। ओके, संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है। हाँ, एक ये भी तरीका है, ये भी है कि संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा अगर किसी को एड्स, HIV एड्स हुआ और वही ब्लड किसी और को प्लांट कर दिया जाए तो उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से या स्तनपान कराने से शिशु को एड्स हो सकता है। ठीक है, यानी कि दो तीन तरीके यहाँ दिए गए हैं, एक तो ब्लड जो है ट्रांसप्लांट हो जाए, दूसरा गर्भावस्था में बच्चे को हो जाएगा माता से, और तीसरा कि अगर माता शिशु को अपना दूध पिलाती है तो उससे भी हो जाएगा। ओके, और लास्ट जो है संक्रमित पशु से, तो संक्रमित पशु में आप जानते ही हैं जितने भी क्या हो गए, जो हमारे कुत्ते हो गए, चूहे, ठीक है ना, संक्रमित पशु में कौन कौन से आएंगे, कुत्ते आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे। ओके, तो ये तो थे दोस्तों रोग फैलने के कारण। अब थोड़ी बात कर लेते हैं एड्स। देखिए, हम एड्स को हम नॉर्मली क्या समझते हैं, बीमारी समझते हैं, बट एड्स एक बीमारी नहीं है। आप ये सोचेंगे आपकी बीमारी नहीं है, क्या पागल बोल रही है। देखिए, मैं आपको साफ बताता हूँ, एड्स जो है एक ऐसी, मतलब ऐसी कमी है हमारे शरीर में जिसको, जिसके उसके नाम से आपको पता चलेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब एक प्रकार की कमी है, डिफिशेंसी सिंड्रोम है, यानी डिफिशेंसी होती है किस चीज़ की, तो वो होती है इम्यून सिस्टम की। किसकी, इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम आपका हो जाता है फेल। तो इसीलिए फिर कोई भी बीमारी होती है, अब ध्यान दीजिएगा कि एड्स कोई बीमारी नहीं है बुखार की तरह, कि बुखार की दवा दी ठीक हो गई। एड्स एक ऐसी अवस्था है जो एक प्रकार का बैक्टीरिया, यानी कि इम्यूनो एक प्रकार का HIV बैक्टीरिया आपके बॉडी में आता है, और वो वायरस आपकी बॉडी में आता है, और वो वायरस आपके इम्यून सिस्टम पे कब्जा कर लेता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश की सेना है और कोई बाहर से आता है और हमारी देश की सेना पर कब्जा कर लेता है, और फिर हमारी देश की सेना को हमारे ही खिलाफ़ लड़ने से रोकता है, या उनको कहता है कि ठीक है, मतलब हमारे खिलाफ़ लड़ने से रोक देता है। और खिलाफ़ का मतलब ये कि जैसे सेना जो है दूसरों से लड़ती है तो हमारी पूरी सेना पर कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा, और हमारे खिलाफ़ हमें लड़ाएगा, ठीक है, यानी हमारे ऊपर ही कब्जा करके हमें ही सताएगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ भी हो रही है कि वायरस जो है, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि हमारी सेल्स पे कब्जा करके इम्यून सिस्टम वाले पे, और इम्यून सिस्टम को फेल कर देता है, जिससे क्या होता है, जब कोई भी आक्रमण करता है तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं शरीर की वो उसे डिफेंड नहीं कर पाती, रक्षा नहीं कर पाती, और हम मारे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारी सेना पे कब्जा कर ले और उसको काम ना करने दें, और बाहर से कोई छोटी सी भी सेना आती है और हमारी सेना काम नहीं कर रही, जवाब नहीं दे रही, तो क्या होगा, कोई भी कब्जा कर लेगा देश पे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है कि हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको ये वायरस ख़त्म कर देता है, उस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, और धीरे धीरे करता है, कोई एक बार, दो दिन, चार दिन में, दो महीने, तीन महीने में नहीं, इसका पता चलता है 2 साल 3 साल बाद।
ओके, अगर आप चेकअप करा लेते हैं तो पहले पता चल सकता है, नहीं तो नॉर्मली इसके लक्षण जो है दिखाई देते हैं बहुत लंबे समय बाद। ठीक है, तो जब इम्यून सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो एक छोटा सा बुखार भी अगर हमें होगा तो वो भी मौत का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। और अगर कट जाए कहीं, फोड़ा बन जाए, तो वो भी बढ़ता जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो वही है, तो संचरण होने के क्या क्या कारण हैं एचआईवी एड्स के? तो पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से हो सकता है, यौन संपर्क बनाने से, जब दो व्यक्ति यानी कि महिला और पुरुष यौन संबंध जब बनाते हैं, और एड्स से पीड़ित माँ से शिशु में गर्भावस्था या स्तनपान द्वारा, स्तनपान मतलब दूध पिलाने द्वारा, और एक ही इंजेक्शन सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के करना, ये भी एक कारण है एचआईवी एड्स के फैलने का। अब देखिए निवारण क्या है, निवारण ही है, इसका कोई इलाज नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए, निवारण इलाज में फ़र्क होता है। तो निवारण है कि संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएँ और एक ही सुई द्वारा नशीली दवा आदि ना लें। ठीक है, तो ये जो है कि निवारण है, इसका इलाज नहीं है, इलाज चल रहा है और बहुत लंबे समय तक इस पर शोध हुआ है, और कुछ दवाइयाँ शायद मार्केट में आई हैं जो रोक देती हैं लेकिन ख़त्म नहीं करती, यानी कि एचआईवी एड्स को वहाँ रोक देती हैं। तो चलिए बात करेंगे हम कुछ ऐसे, ओके, कुछ ऐसे रोगों की जो अंग स्पेसिफिक है, अंग यानी कि ऑर्गन स्पेसिफिक है, अंग विशिष्ट, इसका मतलब कि वो विशेष अंगों में ही होते हैं। ठीक है, आहार नाल में और बाकी चीज़ों में। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त, चलिए मैं पूरा पढ़ाई देता हूँ, थोड़ा सा रह गया ये बता ही देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो देखिए सिंपल सी बात है, अंग अंग विशिष्ट का मतलब क्या है ये सोचिए आप पहले। आज मैं काफ़ी रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, वो एक्चुअली डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा है बाहर बैकग्राउंड से जो है कि शोर आ रहा है, उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, बट डोंट वरी, आपको जो अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके बताएं। ओके, तो दोस्तों देखिए, अगर वायु से फैलेगा तो हमें बीमारी कहाँ पे होगी? फेफड़े में। ठीक है, अगर खाना खाएंगे, पानी पियेंगे तो हमें बीमारी कहाँ होगी? आहार नाल में। आहार नाल में क्या होगा? लीवर। ठीक है ना, यानी यकृत में संक्रमण होगा। आई बात समझ में? यानी कि अंग स्पेसिफिक का मतलब यह है कि अगर हम वायु से सांस लेते हैं तो वो फेफड़े में जाता है तो फेफड़े वाले अंग में फैलेगा, और अगर हम खाना खाते हैं तो उससे बीमारी होगी पाचन तंत्र में, और अगर, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से विषाणु जनन अंगों में प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षा, ठीक है, तंत्र को समाप्त कर देता है। और इसी प्रकार से मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है और रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक वैसे ही जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, हिंदी में बोलते हैं जैपनीज मस्तिष्क ज्वर, तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो है, जो बीमारी है, ये भी बैक्टीरिया उससे वायरस से फैलती है। ठीक है, और विषाणु मच्छर के काटने से आता है त्वचा में, याद रखिएगा इस बात को। और ये इसकी सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि दोस्तों ये ब्रेन में चला जाता है, इसका जो वायरस है ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन को डेड कर देता है, तो मौत हो जाती है, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो ये आप समझ लीजिएगा कि मतलब कौन से अंग में कौन सी बीमारी होती है, इसका भी थोड़ा आप अपनी तरफ से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उपचार के नियम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि कोई अगर हमें बीमारी हो गई तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे हम सही करेंगे। तो देखिए किसी बीमारी को सही करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रोगों के लक्षणों को पहचान कर, ठीक है, और उपचार करना, रोगों के लक्षणों को पहचान कर कम करने के लिए उपचार करना, जैसे हमने बेड रेस्ट ले लिया, हमने आराम कर लिया तो हमारी ऊर्जा ज़्यादा रहेगी और हम सही हो जाएंगे। मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप उसे बेड रेस्ट लेके, खाना पीना खा के, आराम करके सही कर सकते हैं। और एक रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार करना, ट्रीटमेंट, यानी कि मान लीजिए किसी बैक्टीरिया वायरस में बीमारी हो गई है तो हम उसको समाप्त कर सकते हैं। ओके, ठीक वैसे ही अब रोगों के लक्षण क्या हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों लक्षण क्या होते हैं ये सोचिए पहले, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बताते हैं? लक्षण यानी किसी न किसी चीज़ की जो हमें परेशानी होती है, जो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो वो लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो रोगों के लक्षणों सिम्टम्स को कम करने के उपचार के लिए क्या क्या तरीके हैं, देखिए पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार और दर्द या दस्त। ठीक है, हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और हमारे स्वस्थ होने तक, जो कि ऊर्जा सहायता करती है स्वस्थ होने में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रोगाणु को मारने के लिए उपचार। रोगाणु मतलब पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो रोग, जो ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं या फिर जो सूक्ष्म जीव हैं जो रोग फैलाते हैं, उनको हम रोगाणु कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा।
तो रोगाणु को मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था एंटीबायोटिक का। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है एंटीबायोटिक का, अगर सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो उदाहरण के लिए जैसे जीवाणु बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक, या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, और इसी से हम जो है कि बनाते हैं दवा। ठीक है, कुनैन यानी कौन सा वृक्ष है, सिनकोना वृक्ष। ठीक है, उसकी छाल से कुनैन नामक केमिकल प्राप्त किया जाता है, इसी से मलेरिया को, ठीक है, मलेरिया परजीवी को मारने के लिए दवा बनाई जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं निवारण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और ये क्या है। तो रोगों के निवारण के दो सिद्धांत, एक तो सामान्य विधियाँ हो गई, दूसरी रोग विशिष्ट विधियाँ। सामान्य विधि में जो हम नेचुरली करते हैं, और रोग विशिष्ट में किसी विशेष रोग के लिए विशेष विधि अपनाई जाती है। तो सामान्य रोग के लिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि रोगों का निवारण करने की सामान्य विधि रोग को दूर करना है। ठीक है, वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, ये सब सामान्य चीज़ें हैं। ठीक है ना, पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया से बचने के लिए अपने आवास पर मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। ओके, तो ये तो सामान्य विधि हो गई। अब रोग विशिष्ट क्या हो गई, तो देखिए रोग विशिष्ट आप जानते ही हैं, बचपन में सभी बच्चों को प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यूनाइजेशन तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम उनका बेहतर किया जाता है, पहले से ही रोगों से लड़ने के लिए उनमें क्षमता दी जाती है। ठीक है, ये होता है टीकाकरण कहलाता है। ठीक है, वैक्सीनेशन कहते हैं इसे, कि रोगों के रोकथाम के लिए उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय हम उस बीमारी के, ठीक है ना, बैक्टीरिया या फिर जिस बीमारी के जो कारण हैं उन कारणों को ढूंढ के वही हम इंजेक्शन के थ्रू उनमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी कोशिकाओं को उनसे लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है, और उसे रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती हैं, और जब रोगों का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और उसे मार देती हैं, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है ना, कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका खसरा होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो उसके लिए बचपन में बीमारी के लिए जो है कि टीका दे दिया जाता है ना, और फिर बड़े होते हैं तो वो नहीं होता है, जिसको टीका नहीं लगा होता है उनको हो जाता है। तो यहाँ पर हम किस किस चीज़ के टीके देते हैं बच्चों को 5 साल की उम्र तक, टेटनेस का, डिप्थीरिया का, पोलियो का, चेचक का, क्षय रोग का, ठीक है ना, टीबी का भी अगर टीका लगा है तो फिर आपको टीबी नहीं होगा, आपके बच्चे को टीबी नहीं होगा। ओके, और बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया और कुकर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है, यानी ये जो डीपीटी है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, कार्ड देखिएगा छोटे बच्चों का जो आंगनवाड़ी मैडमों के पास होता है, बच्चों के लिए आप लेके जाते हो ना तो उनके पास होता है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और ये एक टेबल है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं टेबल आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बस बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से याद कर लीजिए। ओके, तो मलेरिया जैसे फैल रहा है किससे, प्रोटोजोआ से, और वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, और इसमें सिम्टम्स क्या है, यहाँ पर लक्षण लिखा नहीं है तो आप अपनी तरफ से लक्षण लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या लक्षण है यहाँ पर इस कॉलम में। ओके, गलती से छपा नहीं है। तो कपकपी ज्वर यानी कि ठंड लग के कांपते हुए जब ज्वर आता है तो उस मलेरिया के लक्षण होते हैं, ठीक है, और टाइफाइड ऐसे ही, टाइफाइड बैक्टीरिया फैलाता है, कॉकरोच इसका वाहक है, और तेज़ बुखार, आंतों में संक्रमण, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो है नोट्स डाउनलोड करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। और अगर हमारे लिए कोई सेवा हो तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ वहाँ जाके आप अपनी बात को रखें, मैं जो है कि उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।